ठीक है, मान लेते हैं अगर हम लोगों के पास एक पुली है, ठीक है क्या? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पुली जरूरी नहीं है कि खाली उसकी वेलोसिटी तुमको डायरेक्टली अलोंग द स्ट्रिंग या फिर ऐसा मिल जाए। अगर मान लेते हैं पुली की अगर कोई स्पीड अगर होती, लेट से इस किस्म की होती, ठीक है क्या, ऐसा वी ऐसी होती, ये मान लेते हैं थीटा है, समझे, और स्ट्रिंग तुम्हारे पास मान लेते हैं ऐसी लटकी हुई है, ये ऐसी, ठीक है, तब तुम कैसे करोगे फिर? तो इन दैट केस, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट यहाँ पर डी है, अब तुम कैसे करोगे? तो ये बात ध्यान में रखना, पुली की जो स्पीड रहेंगी उसको कैसा रिजॉल्व कर लो। तो कैसा हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया वी कॉस थीटा और ये हो गया वी साइन थीटा। तो अलोंग द लेंथ वाली जो स्ट्रिंग की स्पीड है वही तुम्हें कंसिडर करनी है, ठीक है क्या? यही कंपोनेंट जो होगा, ओनली दिस कंपोनेंट, ठीक है, दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ, ठीक है, इंक्रीजिंग द लेंथ या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग द लेंथ ए बी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली सिर्फ वी साइन थीटा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सी डी, ऐसा, क्लियर है बात? इस चीज का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद का तो जो अपनी स्ट्रेटजी है, उसके बाद अपन कैसे करेंगे? जैसे इस किस्म का अगर कोई सीन अपने पास आ गया तो इसके बाद तुम कैसे करोगे? अबे मेरा ये बोलना है बी पॉइंट की स्पीड क्या रहेगी, बी जो पॉइंट है बी, समझ गए? जैसे ये मान लेते हैं स्ट्रिंग का कोना है, समझे क्या, ये मान लेते हैं स्ट्रिंग का कोना है ऐसा ए, और ये मान लेते हैं स्ट्रिंग का कोना है तुम्हारा डी, ऐसा, ठीक है क्या? तब कैसे लिखोगे, कैसे ऐसे लिखोगे ना, वी ए प्लस वी बी बराबर शून्य, और क्या लिखोगे, और कैसे लिखोगे? मान लेते ये पूरा तुम्हारा स्ट्रिंग के कोने हैं, तो वी ए प्लस वी बी थोड़ी, तुम्हारे पास चार पॉइंट रहेंगे, ठीक है, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी बराबर शून्य रहेगा। तो उसमें ए और डी का तो मेरे को पता नहीं है, है ना, उसका मेरे को आइडिया नहीं है, वी ए प्लस वी डी उसका तो अपने को आइडिया नहीं है कि नहीं, पर अपने को बी का आइडिया है, बी की स्पीड कितनी लोगे, अलोंग द लेंथ वाली स्पीड तुमको उठानी है, तो वी कॉस थीटा उठाना और प्लस में उठाना, क्यों? क्योंकि बी की स्पीड कैसी है, अवे है ना, अवे, समझ पा रहे हो, अवे है। अच्छा, उसमें सी की स्पीड कैसी है तुम्हारी, अवे है, वी साइन थीटा, ऐसी उठाओगे, क्लियर है? बी और सी की जो स्पीड तुम उठाना वो ऐसी उठाना, ठीक है, क्या ये बात पल्ले पड़ रही है क्या? अलोंग द लेंथ वाली स्पीड तुमको उठानी है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, पुली की स्पीड है कि नहीं, पुली पर अगर अपना पॉइंट है तो जो पुली पर जो पॉइंट है उसकी स्पीड तुमको कौन सी वाली कंसिडर करनी है, अलोंग द लेंथ वाली स्पीड कंसिडर करना है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है? बिकॉज जो इस पॉइंट की जो कंट्रीब्यूशन की जो रेट है, इस पॉइंट का, बी पॉइंट का या सी पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन का जो रेट है वो वी नहीं है,
वो वाला कंपोनेंट है जो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है दिया हुआ, समझ गए क्या? मतलब मेरा बोलना ये है कि ये जो पॉइंट है, ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको बढ़ा रहा है वी कॉस थीटा की दर से, ठीक है क्या? और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट स्ट्रिंग की लेंथ में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, क्या उसका रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है, बढ़ाने वाला एट द रेट वी साइन थीटा, ऐसा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताए मेरे को पहले। वी ए भी तो होगा कॉस में और वी डी भी तो साइन में होगा। नहीं, वो पुली पे जॉइंट नहीं है, वी ए और वी डी का मेरे को पता नहीं है कि क्या हो रहा है उनके साथ, वो उसका उसको सवाल फिर पूरा नहीं है ना, तो बस मैंने पुली वाला हिस्सा बनाया है, मेरे को पता नहीं है कि आगे वी ए और वी डी के साथ क्या हो रहा है, इसलिए उसके साथ मैंने कुछ किया नहीं है। जो बी की स्पीड है ना, वो मेरे को दे रखी है, क्योंकि पुली की स्पीड दे रखी है, क्या ये बात जम रही है? मेरे पास पुली की स्पीड दे रखी है तो क्या मेरे पास बी और डी, बी और सी की स्पीड दे नहीं रखी क्या? बिल्कुल दे रखी है, ठीक है, बी और सी की स्पीड बिल्कुल दे रखी है। बी की स्पीड कैसी है, जैसे यहां पर देखोगे ध्यान से, ये मान लेते हैं बी है तुम्हारा, ये लेट से ये बी है और ये मान लेते हैं सी है, ऐसा। तो बी की जो स्पीड होगी, ये हाँ बी है ऐसा, बी की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, वो होगी इतनी, ठीक है, ये ऐसा, वो होगी इतनी, और ये भी है थीटा। सी की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, वो भी होगी इतनी वी, ठीक है। ट्रांसलेशन में हर पॉइंट की समान स्पीड होती है, हर पॉइंट की समान स्पीड होती है, तो पुली की स्पीड अगर तुमको दे रखी है ना वी एट एन एंगल थीटा टू दी हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब ये है बी की स्पीड भी ये है, सी की स्पीड भी है, लेकिन बी की जो स्पीड है, अब तुम मेरे को बताओ, बी की जो स्पीड है यहां पर, ये हो गया वी कॉस थीटा, ये हो गया वी साइन थीटा, क्या ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या स्ट्रिंग की लेंथ को कुछ भी बढ़ाएगा घटाएगा क्या? वो तो परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, उसको क्या मतलब स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ रही कि घट रही? ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज आइदर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और डिक्रीजिंग, इन दिस केस इट इज इंक्रीजिंग, क्या ये बात पल्ले में आती है, तुम्हारे पल्ले में घुस रही है? सी पॉइंट पर देखो, ये है मामला एट पॉइंट सी, ये हो गया कौन सा पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट पर देखो जरा ध्यान से, ये है वी कॉस थीटा और ये है वी साइन थीटा, ऐसा, और स्ट्रिंग किस तरफ है, देखो इस तरफ है स्ट्रिंग, ऐसा, क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं सी डैश, इसको बोलो सी डैश, ऐसा। अबे सी डैश को, सी डैश का कंट्रीब्यूशन, सी बोलो या सी डैश बोलो, सी का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्ट्रिंग की लेंथ के प्रति कैसा है, इंक्रीज करने वाला है डिक्रीज करने वाला? इंक्रीज करने वाला। अबे अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग है ना बे, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, तो अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग है, इसका मतलब क्या है, जो सी पॉइंट है वो खींचो, खींचने वाला उसका रवैया है, बाकी लोग मिलकर संभालेंगे उसकी टेंशन तुम मत लो, ठीक है, मिलकर संभालते कि सर खींच लेगा टूट जाएगा, वो सब तुम्हारा सोचना काम नहीं, अपन अपना कंस्ट्रेंट लिख डालेंगे, उसके बाद जो होना है होगा। लेकिन क्या मेरे को बताओ, ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट डज नॉट अफेक्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, डज नॉट अफेक्ट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना, कुछ बोलना है तो बोलो। अरे कुछ बोलना है तो बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर एक बॉडी ट्रांसलेट कर रही है ना, ट्रांसलेट ट्रांसलेट कर रही है अगर, इसका मतलब क्या होता है, बॉडी के हर पॉइंट की स्पीड समान है, जैसे अगर ये बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, ठीक है, ट्रांसलेट करने का मतलब होता है ये ऐसा मूवमेंट, ऐसा, दो ही तरह के मोशन होते हैं, रोटेशन या ट्रांसलेशन, ऐसा मूवमेंट, ऐसा, ये ऐसा, ये देखो मूव करके यहाँ पहुंच गया, ऐसा। हमेशा रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन भी हो सकता है, देखो ऐसा, ठीक है, बॉडी मान लेते हैं इस पाथ के जरिए पहुंची, लेट से ऐसा कुछ पाथ फॉलो किया बॉडी ने, मान लेते देखो ऐसा पाथ फॉलो किया, ऐसा,
ट्रांसलेशन में होता क्या है, जैसे ऐसा पाथ फॉलो करके बॉडी यहाँ तक पहुंच गई मान लेते हैं। तो ये ट्रांसलेशन में होता क्या है, जो हर पॉइंट जो दूरी ट्रैवल करेगा वो समान होगी, d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर d4, ऐसा हर पॉइंट जो दूरी ट्रैवल करेगा ना वो समान होगी, तो उसको कहते हो तुम ट्रांसलेशन। कैसे, यहाँ देखो जैसे ये है, ये 1 2 3 4, ऐसा 4 पॉइंट मैंने ले लिए, ये ऐसा इधर आ गया, तो ये पॉइंट मान लेते हैं कितना गया, d1 गया, तो ये पॉइंट भी d1 जाएगा, ये पॉइंट भी, ये मान लेते हैं d2 गया, d3 गया, d4 गया, ऐसा, तो d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर d4, ऐसा रहेगा, हर पॉइंट जो रहेगा समान दूरी ट्रैवल करेगा, ठीक है, हर पॉइंट जो है वो समान दूरी ट्रैवल करेगा, तो तब तुम कहते हो कि बॉडी कैसा ट्रांसलेट मार रही है, ठीक है। तो अगर मैं सबको टाइम से अगर डिवाइड कर दूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हर पॉइंट की जो स्पीड रहेगी वो समान रहेगी करके, ये बात ट्रू है। तो अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट अगर कर रही है तो उसके एक पॉइंट की स्पीड अगर तुमको वी दी हुई है, तो इनफैक्ट उसके हर पॉइंट की स्पीड तुमको वी दी हुई है, जितने भी पॉइंट्स हैं ना सारे वी की स्पीड के साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं सब के सब, ठीक है क्या। ट्रांसलेशन में रिजिड बॉडी के एक पॉइंट की भी, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की स्पीड अगर वी है तो सारे पार्टिकल्स की स्पीड उसमें तुम वी ले सकते हो ट्रांसलेशन के केस में, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अगर पुली की स्पीड अगर मेरे को वी दे रखी है एट एन एंगल थीटा टू दी हॉरिजॉन्टल, तो मैं बी पॉइंट की जो कि पुली पर है उसकी भी स्पीड इतनी ले सकता हूँ, सी पॉइंट पर जो कि पुली पर है उसकी भी स्पीड इतनी ले सकता हूँ बिना किसी दिक्कत। कोई परेशानी है, अब अगर कुछ ऐसा कुछ तुम पूछना चाह रहे हो, अपनी तरह से कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोलो फटाफट। अच्छा, उसमें एक छोटी सी बात और, कल वाले सवाल से संबंधित जो तुम में से एक ने डाउट उठाया है वो अच्छी चीज़ है, उसको मैं तुम्हें बताकर लिखवा देता हूँ। जैसे अगर ये पुली है मेरे पास मान लेते हैं, और मेरे को दे रखा है लेट से इस पॉइंट की स्पीड दे रखी है मेरे को मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा मुझे दे रखा है, अच्छी बात है भाई दे रखा है। तो अब मान लेते हैं मुझे ये चीज़ दे रखी है, इसको ऐसा कर लेते हैं, ऊपर की तरफ नहीं लेते, ये ऐसा कर लेते हैं, एक ब्लॉक है ऐसा कर लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो ब्लॉक है इसकी स्पीड मेरे को दे रखी है नीचे 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये दे रखा है, और मेरे को एक्स और वाई की स्पीड मांगी गई है, ठीक है, वी एक्स और वी वाई कितना होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज कितनी होगी और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज कितनी होगी, ऐसा। तो यहाँ पर देखो ध्यान दो, इसको मैं पॉइंट वन बोल देता हूँ, इसको पॉइंट टू बोल देता हूँ, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से, बाय स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, हम लोग क्या बोल सकते हैं, v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 0, स्ट्रिंग है ना मेरे पास, ये देखो ये स्ट्रिंग है मेरे पास, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मैं बिल्कुल लगा सकता हूँ। अच्छा, v2 कितना हो गया तुम्हारे पास, v2 v a एक ही बात है, समझे गए, तो वो हो जाएगा अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग है तो मैं उसको लूंगा +2 इक्वल्स टू 0, तो अब v1 कितना हो जाएगा मेरे पास -2, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स व्हाट, टुवर्ड द स्ट्रिंग, अच्छा, तो देयर फोर जो एक्स और वाई है वो भी हो जाएगा -2, है ना, बिकॉज एक्स वाई एंड वन आर ऑल पॉइंट्स ऑन सेम पुली, विच इज ट्रांसलेटिंग, अपने को अच्छे से पता है ट्रांसलेशन का मतलब, विच इज ट्रांसलेटिंग, अपन को अच्छे से पता है कि एक बॉडी का ट्रांसलेट अगर कर रही है तो उस पर हर पॉइंट की जो स्पीड होगी वो समान होगी, ठीक है ना। तो नाउ जो स्पीड है समझे क्या, वो कितनी कितनी हो जाएंगी, ये 1, ठीक है, कहाँ गया वो एक्स और वाई, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया,
एक्स की जो स्पीड बनी कितनी बनेगी नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, वाई की जो स्पीड बनी वो भी बनेगी नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड। क्यों ऐसा? क्योंकि वन की स्पीड जो बन रही है वो बन रही है 2 मीटर पर सेकेंड, समझे? वन की स्पीड टुवर्ड द स्ट्रिंग बन रही ना, नेगेटिव आ रही है, मैं क्या करूँ, आ रही है तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है क्या? कॉमन सेंस है, एग्रीमेंट में आ रही है ना? तो वन की स्पीड क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड आ रही है, इसीलिए एक्स और वाई की भी स्पीड कितनी आई है, 2 मीटर पर सेकेंड आई है। यहाँ तक अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोले। ठीक है, अगला एक सवाल तुम देखो, अगला एक सवाल है ना अपने पास और है। ये लास्ट वाले वीडियो में इसीलिए नहीं हो पाया, वक्त की कमी रह गई थी। और एक छोटी सी बात और भी है वैसे तो, एक तरह का और एक कंस्ट्रेंट रहता है, वेज कंस्ट्रेंट, बहुत ही छोटी सी बात है वैसे तो, लेकिन उसको मैं पहले बाकी चीज़ें काम कर लूँगा, उसको फिर मैं आखिरी में बताता हूँ। यहाँ देखो, जैसे एक सवाल और है हम लोगों के पास, मान लेते हैं अपने पास, लेट्स से ये ऐसा दीवार रखी है, एक यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पर एक पुली लगी हुई है और ये ऐसा ब्लॉक उसके ऊपर ऐसा टंगा हुआ है, ठीक है ऐसा, ठीक है। अब हम लोगों को ये दिया है, इसकी जो स्पीड है रिलेटिव स्पीड वो हम लोगों को दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को एक्चुअली 2 नहीं दे रखा है, इसका जो स्पीड है उसको बोल देते हैं ए दे रखा है अपने को, ए, समझे? और जो पुली है ये कैसा, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है, ये जो है सरफेस, दिस इज फ्रिक्शनलेस। तो जो वेज है हम लोगों का, ये वेज है, ये वाला जो इंक्लाइन है ये एक्चुअली मूव कर सकता है ऑन द सरफेस, समझे? अच्छा, ये अपने को दे रखा है कि जो ब्लॉक की जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड ऑफ ब्लॉक ऑन द इंक्लाइन, ठीक है, ऑन द इंक्लाइन ये हम लोगों को दे रखा है ए, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, क्लियर है? अच्छा, और दूसरी बात जो अपने को दे रखी है वो ये कि जो इंक्लाइन की जो स्पीड है दैट इज बी मीटर पर सेकेंड, ये अपने को दे रखा है। अपने को ए और बी के बीच का नाता रिश्ता ढूंढना है, ठीक है, ए और बी के बीच का नाता रिश्ता ढूंढना है अपने को, कैसे और क्या काम करेंगे अपन, ठीक है। जो इंक्लाइन है, तुम्हें खुद सोचो, इमेजिन कर पा रहे हो कि इस चीज को कि नहीं, कि अगर ये जो ब्लॉक है ये अगर उस पर स्लाइड अगर करेगा तो होगा ये कि जो इंक्लाइन है वो कैसा दूसरी तरफ मूव करेगा, कॉमन सेंस से भी ये बात समझ में आती है, ठीक है। अगर एक ब्लॉक है जो कि एक इंक्लाइन के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो वो ग्राउंड पर बैठा ऑब्जर्वर वो कैसा इंक्लाइन को दूसरी डायरेक्शन में मूव करता हुआ देखेगा, ये बात पक्की है, समझे? ये बात पक्की है, ठीक है। उसमें ये दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं, दोनों बॉडीज की जो स्पीड है वो आपस में रिलेटेड है, ठीक है, वो आपस में रिलेटेड है, बिकॉज जो इंक्लाइन है तुम्हारा वो भी रस्से से बंधा हुआ है। जब इंक्लाइन का जब कभी भी तुम फ्री बॉडी डायग्राम जब कभी भी तुम बनाओगे, ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि उसमें पुली को इस तरह से बनाना है, ऐसा मतलब जब इंक्लाइन का हम लोग एफबीडी बनाएंगे, जब भी कभी सवाल सॉल्व करते वक्त, तो इंक्लाइन का ये वाला हिस्सा भी तुमको लेना है, ये ऐसा है, ये वाला हिस्सा लेना है टेंशन, और ये वाला हिस्सा लेना है टेंशन, ऐसा इंक्लाइन का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इंक्लाइन के फ्री बॉडी डायग्राम में यू विल इंक्लूड द पुली, और पुली इंक्लूड अगर की है तो उस पर जो 2 फोर्सेस लगेंगी, ठीक है, वो दोनों भी तुमको बनानी पड़ेगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो जो एफबीडी बन रहा है एक्चुअल में तुम्हारे पास, पुली इंक्लाइन का वो कैसा बन रहा है ये देखो, ऐसा नॉर्मल रिएक्शन एक तो पड़ेगी, समझ गया क्या, ब्लॉक की वजह से, और एक तुम्हारे पास एमजी भी रहेगा, ठीक है क्या?
मास ऑफ द इंक्लाइन। अभी एफबीडी बनाने का वैसे सवाल नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एफबीडी जब तुम बनाओ इंक्लाइन की, तो वो कुछ ऐसी बनेगी, ये ध्यान में रखना अपने, ठीक है? वो कुछ ऐसा बनेगा, और कोई फोर्सेस इस पर नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन मैंने ले लिया है ना, फ्रिक्शनलेस है सारी सरफेसेस वगैरह, ये भी फ्रिक्शनलेस है, ये भी तुम्हारा जो है ये वाला भी जो सरफेस है ये भी फ्रिक्शनलेस है, ठीक है? ये भी फ्रिक्शनलेस है, कोई कहीं पर भी फ्रिक्शन वगैरह कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। तो बस अब सादा सा सवाल है कि ए और बी में नाता रिश्ता कैसा होगा, ठीक है? ए और बी में नाता रिश्ता कैसा होगा? तो यहाँ देखो, इसको अपन कॉपी कर लें ज़रा, ठीक है? अब देखो, रिलेशनशिप निकालने के लिए क्या करोगे? स्ट्रिंग तो दिखाई दे ही रही है ना, स्ट्रिंग तो दिखाई दे रही है, तो कैसे कर लो? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अपने को लगाना है, एक ही स्ट्रिंग भी है, पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, और ये हो गया डब्ल्यू। ये पॉइंट्स क्या मार्क करने में किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बताए पहले मेरे को। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ये ऐसा लिखा जा सकता है, ये लिख लोगे नहीं लिख लोगे? इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा, अभी x तो तुम्हारा हट जाएगा, x तो क्योंकि स्टेशनरी है, समझे क्या? x तो हट जाएगा बिकॉज वॉल इज स्टेशनरी, है कि नहीं? बिकॉज वॉल इज स्टेशनरी। अच्छा, अब मेरे को बताओ बड़े ध्यान से सोच समझ कर, ठीक है, आगे काम कैसा करोगे? जो वी डब्ल्यू है वो क्या तुमको दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है, 1 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है? कैसे लिखोगे यहाँ पर? वी वाई प्लस वी जेड। अब ए को अपन प्लस ए लेंगे बिकॉज वो अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग है, ठीक है क्या? यहाँ लिख लेता हूँ मैं, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग। अच्छा, आगे बोलो। अब वी वाई और वी जेड है, अब इसके साथ क्या करना पड़ेगा? इसके साथ क्या करना पड़ेगा? तो बड़े ध्यान से देखोगे तुम, ठीक है? ये वाला एंगल अपने को असल में दे रखा है थीटा, मैं बनाना भूल गया था, ये अपने को दे रखा है थीटा, और ये भी दे रखा है थीटा, ठीक है? ये हो गया फिर थीटा, क्लियर है बात? अब बड़े ध्यान से देखो, पुली की जो स्पीड है वो कैसी है? इंक्लाइन की जो स्पीड है वही पुली की स्पीड है? देखो ये है पुली तुम्हारी, है वैसे बहुत ही बेसिक सा सवाल, लेकिन मैं तुम्हें इन डेप्थ बता रहा हूँ अच्छे से डिस्कशन कर करके। अब तक है तो कब का मैं लिख भी चुका रहता, ठीक है? और तुम भी लिख लोगे जब थोड़ा सवाल बनाएगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा जैसे ही, ठीक है? तो तुम भी कर लोगे, और फटाफट ही लिख लेता है एक इंसान ऐसा, इसका ऐसा करते हैं, ये है तुम्हारे पास, ठीक है? ऐसा कुछ बना हुआ है यार, ये अच्छा नहीं बना यार। ऐसा बनाओ इसको, ठीक है? अब ठीक है, अरे यार ऐसा, ठीक है? अच्छा, अब देखो पॉइंट्स की मार्किंग कर लेते हैं अपन, ये है ऐसा, पॉइंट्स की मार्किंग कर लेते हैं, एक्स वाई जेड और ये डब्ल्यू। अब देखो, जो पुली की स्पीड है वो हम लोगों को दे रखी है ऑलरेडी, कितनी दे रखी है पुली की स्पीड? ये ऐसी 20 मीटर पर सेकेंड, ये अपने को ऑलरेडी दे रखा है। तो ध्यान से बताओ, y की स्पीड कितनी होगी? y की स्पीड कितनी होगी? अब
अबे वाई की स्पीड मीटर पर मीटर सेकंड। पर सेकंड लेफ्ट की तरफ। जेड की स्पीड कितनी होगी? बी साइन अबे साइन कॉस मत बोल। बी बी की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी तुम्हारी? जेड की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? वो इतनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड ही होगी। बट अलोंग द स्ट्रिंग कितनी होगी? अलोंग द स्ट्रिंग अगर तुमको निकालना है तब फिर क्या करना पड़ेगा? अलोंग द स्ट्रिंग कितनी होगी? क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग वाला ही लेंथ वाला जो कंपोनेंट है, लेंथ के अलोंग जो कंपोनेंट है वही ना क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन होगा जेड का टूवर्ड्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये एंगल तुम्हारा कितना है? थीटा, समझे? ये वाला एंगल तुम्हारा थीटा है, क्लियर है? ये बी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ना, ये वाला जो कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है बी साइन थीटा। इसमें मेरे को एक बात बताओ, ये वाली चीज डज नॉट कंट्रीब्यूट, ठीक है? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, बी कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द लेंथ। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे, अब मेरे पास हर पॉइंट की स्पीड है। एक्स की स्पीड तो है वाई जेड डब्लू बराबर 0। अब तुम बताओ मेरे को फटाफट, एक्स की स्पीड 0, चलो एक तो काम मैंने ही कर दिया। वाई बोलो, वाई, अरे बको, वाई का कितना होगा? अरे बी साले बी की माइनस बी बे बकलोल। अबे उसका कंट्रीब्यूशन कैसा है टुवर्ड्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? माइनस में है कि प्लस में है? प्लस माइनस में प्लस है कि माइनस है साले? दोनों तो बोल दिया तूने, माइनस में ना है, ठीक है? ऐसा इसमें क्या क्या दिक्कत है यार, ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा ये माइनस बी। अच्छा उसके बाद जेड पर आते हैं, जेड का तो बता दे, जेड का क्या लिखूं? प्लस कितना? बी साइन थीटा कि बी कॉस बी कॉस थीटा। डब्लू डायग्राम बना देता हूँ, डब्लू ये नीचू जा रहा है, नीचू कितने रेट से? ए रेट से, प्यारा प्यारा ए रेट से। और बोलो डब्ल्यू की स्पीड बोलो पट से, वी डब्ल्यू कितना? कॉस ए कॉस क्या? ए कॉस, अरे पागल इंसान, ए अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही दिया हुआ है साले। ए तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया हुआ ना बे, उसको रिजोल्व करेगा? उसको भी रिजोल्व करेगा क्या? अच्छे डायग्राम लगता है मैंने बनाया नहीं। ए ऐसा ऐसा, ए की तो स्पीड अपने को ऐसी दी हुई ना अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है क्या? लिख देता हूँ साले, तुम्हारा तो कोई भरोसा ही नहीं है। अलोंग द लेंथ, ठीक है क्या? अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ना? अबे ए कैसा स्लाइड मार रहा है वो, 1 मीटर पर सेकंड जो है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो, समझे? रिलेटिव स्पीड है वो, रिलेटिव स्पीड, ठीक है क्या? ए इज रिलेटिव स्पीड अलोंग द लेंथ, ये बात ध्यान में रखना, रिलेटिव स्पीड अलोंग द लेंथ है वो, ठीक है क्या? रिलेटिव स्पीड अलोंग द लेंथ है वो। अच्छा अब देखो, अगर वो रिलेटिव स्पीड है अलोंग द लेंथ, तो क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि उसमें पुली की इंक्लाइन की स्पीड को ऐड करना पड़ेगा करके? हमारे पास जो पॉइंट W की जो स्पीड है ना, वो क्या है? 1 मीटर पर सेकंड है, बट रिलेटिव टू किसके रिलेटिव? मतलब इंक्लाइन अगर रुका हुआ रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू
इंक्लाइन, मतलब एक आदमी है जो इंक्लाइन पर ऐसा खड़ा हुआ है, ये ऐसा, ये ऐसा इंक्लाइन पर खड़ा हुआ है, तो उसको इंक्लाइन कैसा दिखेगा? 1 मीटर पर सेकंड से आता हुआ अपनी तरफ दिखेगा, समझे? रिलेटिव स्पीड है वो विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन, ठीक है? इंक्लाइन खुद मूव कर रहा है, ये बात समझ में आ रही है? रिलेटिव स्पीड है वो, है ना? इंक्लाइन के ऊपर खड़े आदमी को जो स्पीड दिखाई दे रही है वो है वो, ठीक है क्या? मेरे को एक बार बताओ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड कितनी बनेगी उस पॉइंट की? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड कितनी बनेगी, कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ जो डब्ल्यू है, रिलेटिव स्पीड वो प्लस स्पीड ऑफ इंक्लाइन, ऐसे ही करते हैं ना? रिलेटिव डाटा से अगर मुझे वो डाटा चाहिए कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी होगी स्पीड, कैसे निकालूंगा? अरे उसमें ऐड करूंगा ना पुली की स्पीड, तो जो पुली की स्पीड रहेगी उसको मैं ऐड करूंगा ऐसा, 20 मीटर पर सेकेंड, समझे? ये आएगी मजा, क्लियर है? अब क्या होगा, वो जो W वाला पॉइंट है, यहाँ देखो W वाला जो पॉइंट है, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गई, और W वाले पॉइंट की जो स्पीड है वो एक तो हो गया 1 मीटर पर सेकेंड ऐसा, और एक हो गया तुम्हारे पास 20 मीटर पर सेकेंड ऐसा, ठीक है बात? अच्छा, अब ये अपने को पता है कि ये थीटा है, ये अपने को पता है कि ये थीटा है, तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना हो रहा है देखो कंपोनेंट, वो हो रहा है ऐसा, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये हो गया ए, ये हो गया बी कॉस थीटा, ठीक है बात? और ये हो गया इस तरफ कंपोनेंट बी साइन थीटा, तो ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है मेरी बात? जो ए माइनस बी कॉस थीटा है वो इंक्रीज कर रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को, है ना? वो तो नीचे जा रहा है ना वो, तो मतलब जाहिर सी बात है कि ए माइनस बी कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, ए बड़ा होगा बी कॉस थीटा से, ऊपर तो जा नहीं रहा है वो, जाहिर सी बात है ए बड़ा होगा बी कॉस थीटा से, क्लियर है? अच्छा, तो यहां पर क्या लिखोगे? ए माइनस बी कॉस थीटा बराबर 0। प्लस साइन क्यों लूंगा मैं, ए माइनस बी कॉस थीटा का प्लस साइन क्यों लूंगा? बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है? बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, ठीक है? इसलिए उसका मैं प्लस साइन लूंगा। तो यहां देखो क्या रिलेशनशिप आता है अपने पास, बी कॉस थीटा कैंसिल ऑफ हो जाएगा, यहां अपने पास आएगा जो रिलेशनशिप, ठीक है, वो आएगा ए इक्वल्स टू बी, इस चीज को तुम याद भी रखना, वो आएगा ए इक्वल्स टू बी, दिस रिजल्ट यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? मतलब अगर एक पुली से बंधा हुआ, मान लेते एक ब्लॉक है और वो अगर स्लाइड मार रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये बात ध्यान में रखना, जो रिलेटिव स्पीड रहेगी तुम्हारी, अगर मान लेते वो तुमको दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है क्या, वो तुमको दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, तो जो इंक्लाइन की जो हॉरिजॉन्टल स्पीड रहेगी वो भी उस वक्त 2 मीटर पर सेकंड रहेगी, ठीक है? इस चीज को याद रखना। तो अगर कभी तुम्हारे सामने ऐसा कोई सीन आया कि ये एक इंक्लाइन है, उस पर एक ब्लॉक है और वो गिर रहा है, ये मान लेते फ्रिक्शनलेस दे रखा है तुमको, ठीक है क्या? इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ध्यान रखोगे इस बात का। तो अगर इसका एक्सेलरेशन अगर तुमने ए अगर माना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इधर इंक्लाइन का भी एक्सेलरेशन ये मानते फ्रिक्शनलेस है, ठीक है? तो इधर इंक्लाइन का भी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड रहेगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? ये क्या है? रिलेटिव एक्सेलरेशन, मतलब विद रेस्पेक्ट टू
तुम्हारा इंक्लाइन, ये ध्यान में रखना, ठीक है, रिलेटिव है वो, है ना। मतलब अगर इंक्लाइन के रेस्पेक्ट में अगर तुम देखोगे तो वो अलोंग द इंक्लाइन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति से, है ना, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से उसकी स्पीड चेंज हो रही है और नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे ये बात ध्यान में रखोगे। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। अलग अलग एक्सेलरेशन मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन इट इज चेंजिंग इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर तुम देखोगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, और विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन, इंक्लाइन के रेस्पेक्ट में, ठीक है क्या, जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है दैट इज ए, ऐसा समझे क्या, ये थीटा है इंक्लाइन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन बनेगा वो ऐसा होगा, एक तो ये और एक तो ये, ठीक है, ऐसा, क्लियर है, ये बात ध्यान में रखोगे, ठीक है। जो एक्सेलरेशन बनेगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ब्लॉक का, उसमें एक्स डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन होगा। ये एक्स डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया, इस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा, ये जो एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा वाला एक्सेलरेशन है, इंक्लाइन का एक्सेलरेशन है, क्लियर है बात, ये चीज ध्यान में रखना। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, ध्यान रखोगे इस चीज का, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। सर, हाँ बोलो। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाले में, हाँ एक आदमी जमीन पे खड़ा है, अब उसको वो देख रहा है कि ब्लॉक उसके पास आ रहा है, तब तो उसको लगेगा कि एक्सेलरेशन भी हम लोग के तरफ है ना, तो फिर वो दूसरे डायरेक्शन में कैसे गया एक्सेलरेशन? दूसरे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन गया उसके देखने की वजह से नहीं, या फिर उसको क्या दिखाई दे रहा है, वो कहाँ खड़ा है वो जाने, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो उसकी एक्सेलरेशंस बनेंगी उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक तो अलोंग द इंक्लाइन वाला तो होगा ही होगा जो रिलेटिव है, रिलेटिव डाटा है, और इंक्लाइन का एक्सेलरेशन भी उसमें जब तुम चिपका दोगे तब तुमको जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो ट्रू एक्सेलरेशन है, ट्रू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, वो कितना रहेगा, उसके दो कंपोनेंट रहेंगे, ठीक है, एक अलोंग द इंक्लाइन रहेगा और एक उस वजह से आया है क्योंकि जिस सरफेस पर है वो भी खुद एक्सेलरेटेड है, तो अपने को अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो उसमें हमें जो फ्रेम है, जिस फ्रेम में वो ब्लॉक है यानी कि इंक्लाइन, उसका एक्सेलरेशन भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। ये तो सिंपल रिलेटिव का कंसेप्ट है, ये तो मुझे अगर समझाना पड़े कि इसमें दो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट क्यों है, इसका मतलब तो तुमने काइनेमेटिक्स कुछ पढ़ी ही नहीं फिर तो, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं, है ना, जैसे मेरे पास एक इंक्लाइन है और उसके ऊपर एक छोटा एक ब्लॉक रखा हुआ है, मान लेते हैं तुमको दे रखा है कि इसकी स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकेंड है ना, और इनकी स्पीड मान लेते हैं तुमको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये जो डाटा तुमको दे रखा है ये रिलेटिव स्पीड दे रखी है, ये ग्राउंड पे मूव कर रहा है, ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड दे रखी है। कोई तुमसे पूछ रहा है कि ब्लॉक की स्पीड बता कितनी है, ब्लॉक ए की स्पीड बताओ कितनी है, ए की स्पीड बताओ कितनी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ऐसा कोई तुमसे पूछ रहा है तो कैसे करोगे, ए की स्पीड उठाओ रिलेटिव डाटा 2 मीटर पर सेकेंड और उसमें उठा के जोड़ दो ये 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो फ्रेम पर है वो दूसरे फ्रेम पर है ना, ग्राउंड पर तो है नहीं, तो जो फ्रेम की जो स्पीड है वो उसमें जोड़ दो, ये चीज़ हम लोगों ने सीखी है। तो कितना हो जाएगा, वी ए विल बी इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये उसकी स्पीड है। ये वाला काम हम लोग रिलेटिव में बहुत बार कर चुके हैं, बहुत बार किया है, मतलब इनफैक्ट हर सवाल में किया होगा, किया नहीं किया है। रिलेटिव डाटा अगर तुम्हें चाहिए तो उसका वेक्टर का अपोजिट करके चिपकाते हैं, और लेकिन अगर रिलेटिव डाटा दिया हुआ है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए तो फिर ऐड करते हैं, ये चीज बहुत बार अपन कर चुके, बहुत बार किया है अपन ने, ठीक है। तो
वो पता नहीं तू क्या बोल रहा था कि ग्राउंड पे अगर कोई ऑब्जर्वर अगर बैठा है तो उसको वो कैसा कैसा क्या क्या दिखाई देगा पता नहीं, ठीक है क्या? पर ग्राउंड पे बैठे ऑब्जर्वर को ये एक्सेलरेशन दो दिखेंगे, ठीक है, दो एक्सेलरेशन दिखेंगे, एक तो ये वाला एक्सेलरेशन दिखेगा और एक ये वाला एक्सेलरेशन दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसा बोलोगे सर नहीं, अपन क्या ऐसा करते हैं उसको ब्लाइंड साइड कर देते हैं, अपन ऐसा दिखाते हैं कि उसको ये तो दिख ही नहीं रहा वो दिख ही नहीं, अरे ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये दो एक्सेलरेशंस हैं, इसमें दुनिया की कोई ताकत इस बात को झुठला नहीं सकती, ठीक है क्या? ये तो है। अब तुम्हारा आदमी किस तरह से क्या कैसा खड़ा है वो तुम जानो, ग्राउंड पर बैठे एक ऑब्जर्वर को ये चीज़ दोनों एक्सेलरेशन दिखाई देंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। ग्राउंड में बैठे ऑब्जर्वर को है ना जो पाथ है ब्लॉक की वो कैसी दिखाई देगी, जो पाथ है ब्लॉक की वो कैसी दिखाई देगी, उसका जो पीछे मोशन, जाते नहीं नीचे जाते हुए नहीं दिखाई देगा, खाली नीचे जाते हुए नहीं दिखाई देगा उसको ब्लॉक का जो पाथ है, ठीक है, नीचे तो जाएगा ही है ना, वो साइडवेज भी ट्रैवल करेगा, समझ गए, साइडवेज भी ट्रैवल करेगा, कैसे ट्रैवल करेगा देखो, यहाँ पर जो पाथ ऑफ ब्लॉक कैसा दिखाई देगा, देखो ये हो गया तुम्हारा ब्लॉक हो गया एम मास का, अब उसका एक एक्सेलरेशन यहाँ पर है, ठीक है क्या, कितने का, ए कॉस थीटा का, ये कहाँ से आया, ये वाला बोल रहा हूँ, ये इसका एक कंपोनेंट होगा ना, ये कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, और पीछे की तरफ इसका एक कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, ठीक है क्या, वो है ए, नीचे की तरफ इसका एक कंपोनेंट है ए साइन थीटा, ऐसा, समझ गए, ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन है इसके महाशय के, ठीक है क्या? तो जो उसकी पाथ बनती है वो कैसी बनेगी फिर देखो, ये उसका एक्सेलरेशन है लेफ्ट साइड में ए माइनस ए कॉस थीटा, और ये उनका एक्सेलरेशन है नीचे के डायरेक्शन में ए साइन थीटा, समझ गए क्या, क्लियर है? तो वो तुमको जाता हुआ कैसा दिखाई देगा, कुछ यूं, ठीक है क्या, ये उसकी पाथ है, समझे, वो तुमको ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा। अगर वो ऐसे ब्लॉक पर है, ठीक है, अगर वो ऐसे ब्लॉक पर है जिसका एक्सेलरेशन ये ऐसा है पीछे की तरफ, मतलब ऐसे इंक्लाइन पर है जिसका एक्सेलरेशन ऐसा है पीछे की तरफ, तो जो पाथ ऑफ द तुम्हारे पास ब्लॉक बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, दिस विल बी द पाथ ऑफ द ब्लॉक, ऐसा कुछ बनेगा ग्राउंड पे बैठे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। और अगर कोई इंक्लाइन पर खड़ा ऑब्जर्वर अगर है तो उसको वो तो फिर सादा है, फिर वो मतलब अलोंग द इंक्लाइन उसको दिखेगा अपनी तरफ ढुलकता हुआ, ठीक है क्या, तो इन दैट केस द पाथ विल बी दिस, ये ऐसा, समझिए क्या, उसके अलोंग तो फिर इंक्लाइन के अलोंग रहेगी वो पाथ। इसमें कुछ किसी को बोलना है तो बोले, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख देता हूँ, ठीक है, इसके अलावा कुछ और अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। ठीक है।